बच्चों, मैं प्रियांग भट्ट आपका स्वागत करता हूँ प्रियांग भट्ट मैथ में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। इसकी मैंने 3J एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड तक आपको कवर करा दिया है। आज हम 3J का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो जो J2 जो एक्सरसाइज थी, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कवर करा दिए थे। जो हमारे आगे के जो सवाल बच गए हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3J का पार्ट नंबर 3 है ये। ठीक, देखिए 19A तक मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आज मैं 19B से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो हम ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, इसमें हमको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप LHS इसको लिख लेना, एक बार फिर से LHS लिख लेना। ठीक है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। क्या करेंगे, cos³a। ठीक, cos³a का फॉर्मूला आप जानते हो, तो आप ये लगा देना। क्या हो जाएगा, 4 cos³a -3 cos a। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब आएगा sin³a, sin³a का लगा दो, 3 sin a -4 sin³a, ये फॉर्मूला हो गई। अब फॉर्मूला ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसका, तो ये हो जाएगा cos⁶a, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है ना। ये 4 cos³ cos⁶a है ना, माइनस यहाँ करोगे मल्टीप्लाई 3 cos⁴a। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 into sin⁴a -4 into sin⁶a। ठीक है, अब हम इसको 6 और 6 वाले को कंबाइन कर लेते हैं। तो 4 कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, cos⁶a -sin⁶a, ये आ गया। इन दोनों टर्म में से आप माइनस का 3 कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकालोगे और 3 निकालोगे तो ये वाला जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो cos⁴a। यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, ये क्यों, माइनस कॉमन निकाल लिया आपने, तो क्या आ जाएगा, ये sin⁴a, ये आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए, अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ एक, इसको आप क्या करो, इसको आप लिख लो स्क्वायर cos² a और उसका क्यूब। क्यों, इसको सॉल्व करोगे 3 into 2 6 बन जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, और इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, sin² a³। ठीक, -3, इसको लिख लेते हैं cos² a और इसका स्क्वायर, -sin² a और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं a³ - b³, ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है a - b, a² + b² + ab, ये होता है फॉर्मूला। और a² - b² क्या होता है, ये होता है a - b और a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ a की जगह क्या दिया हुआ है, sin² a, b की जगह sin² b, a की जगह cos² a, तो b की जगह sin² a। ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग। तो a - b मतलब ये क्या आएगा, और बाहर है, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा cos² a -sin² a, ये क्या आ गया, a - b आ गया, इतना टर्म। ठीक है, अब a² तो a क्या है, cos² ठीक है, cos² a और इसका भी स्क्वायर, यहाँ कर ली ब्रैकेट लगा लो, ये a² हो गया, प्लस b² मतलब sin² a का स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस ab, तो a क्या है, cos² a (sin²a), ये हो गया ab। ठीक, कितना टर्म सॉल्व हो गया। अब इसमें लगाओगे तो क्या आएगा, -3, ये कितना हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, a + b और a - b है ना, तो प्लस ले लो पहले, a + b हो गया और a - b हो गया। ठीक है, अब इसके आगे मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा क्या, 4, ठीक, cos² a - sin² a क्या होता है, cos² a, ये आप जानते हैं। अब
देखिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab को वहां ले जाओ तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिखा हुआ है क्या, ए स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए का क्या है वैल्यू, ए है क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2 हो गया, ए कितना है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए किया जाएगा। ठीक है, तो हमने किसकी जगह लिख दिया, ये कॉस 2a हो गया, हमने इसकी जगह लिख दिया। और प्लस में क्या है देखो, अलग से प्लस में क्या दिया हुआ है इसके साथ, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ये दिया हुआ है। तो ये इतना सॉल्व हो गया। साथ में ये क्या है, माइनस का 3 है ना, तो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस 3, ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस 3 कॉस 2 ये हो गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इस 4 को हम यहीं रखते हैं, कॉस 2 ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और साथ में क्या है प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ये आ गया है ना, माइनस का 3 कॉस 2 ए ये अलग से है हमारे पास, बराबर 4 ये हो जाएगा कॉस 2 ए। ठीक, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यहाँ माइनस का 2 है यहाँ प्लस का 1 है, दो में से एक घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, मतलब माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए किया जाएगा, माइनस का 3 कॉस 2। ठीक, यहां तक आगे समझ में। अब मैं इसको यहां पर लिखता हूं, और लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं। चलिए देखिए स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 कॉस 2 ए का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 2 ए माइनस, यहां करोगे तो क्या आएगा, हो जाएगा कॉस 2 ए है ना इंटू साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 3 कॉस 2 ए। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4 कॉस 2 ए माइनस, यहाँ करोगे तो क्या आएगा कॉस 2 ए इंटू 4 इंटू साइन स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस 2 ए। ठीक, देखो 4 कॉस 2 ए माइनस 3 कॉस 2 ए कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा एक बचेगा, तो इसको लिख देंगे कॉस 2 ए। ठीक है, माइनस यहां पर ये क्या है, ये कॉस 2 ए। ठीक, इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर ऐसे लगा दे, ऐसा लिख सकता हूं मैं इस चीज को। ठीक, लिख सकता हूं हो जाएगा कॉस 2 ए माइनस क्या हो गया कॉस 2 ए इंटू ये क्या होगा, हो जाएगा साइन 2 ए और इसका स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, क्यों 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 ए होता है। अब हम क्या करेंगे देखिए, 2 कॉस 2 ए माइनस कॉस 2 ए, अब हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 2 ए ये लिख दिया हमने। ठीक, ये हो गया कॉस 2 ए माइनस, इस माइनस कॉस 2 ए का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये वाला बन जाएगा क्या माइनस का, और यहां पर करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा है ना, कॉस 2 ए इंटू कॉस स्क्वायर 2 ए हो जाएगा कॉस क्यूब 2 ए, ये माइनस का कॉस 2 ए ये प्लस का कॉस 2 ए, तो कितना बचा हमारे पास कॉस क्यूब 2 ए
देखिए यही हमारा क्या हो गया, आरएचएस। आगे समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल देखिए स्टूडेंट, इस सवाल में हम साइन 72 डिग्री, इसको देखिए हम ऐसे स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा, ये होता है √3/2, हम इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 18, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 3/4। ये क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यह आ जाएगा कॉस 18 का स्क्वायर माइनस 3/4, ठीक है। अब कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ कितनी होती है, √10 + 2√5, है ना, और अपॉन में 4, इसका होल ये हो जाएगा इस होल स्क्वायर माइनस 3/4, ठीक है। इससे अगर आप स्क्वायर लगाओगे तो इससे रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 + 2√5, और 4 का वर्ग करोगे तो क्या जाएगा, 16 माइनस 3/4। अब एलसीएम लेना है तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाइड, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाइड, है ना, ये क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 + 2√5 अपॉन ये 16 हो गया, -12/16 हो गया, है ना। अब इसको आप क्या लिख लो, 16 एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा 10 + 2√5 - 12, ठीक है, ये हो गया 2√5, और 10 में से 12 घटाओगे तो आएगा -2/16, 2 आपने कॉमन ले लिया, ये आएगा √5 - 1/16, 2 से काट दो तो कितना आ गया, √5 - 1/8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा, ठीक है। देखिए आरएचएस मैच हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, ये सवाल देखिए स्टूडेंट, इसमें आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है, ये इंटू कर लो इसको, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना, लगा देते हैं फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी मतलब 24 + 6 इंटू साइन ए माइनस बी, 24 - 6 ये हो जाएगा कितना, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री, ठीक है। साइन 30 1/2 इंटू साइन 18 की वैल्यू मैंने आपको सिखाई है, कितना हो जाएगा, √5 - 1/8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा, देखो, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं आप, ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कॉस 2x का फॉर्मूला बताता हूँ, क्या होता है, 2 cos² x - 1 होता है, 1 को मैं यहाँ ले आता हूँ तो 1 + cos² x, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, cos² x इंटू 2। टू को भी अगर डिवाइड में ले आऊं तो क्या आएगा, 1 + cos² x / 2 बराबर क्या होगा, cos² x, मतलब हम cos² x को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos² x / 2, सब जगह cos² x है, देखो तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। इसको अगर लिखोगे आप तो क्या आएगा, 1 + cos² x / 2 ये आएगा, प्लस इसको लिखोगे तो 1 + cos, देखो 2x, यहाँ 2x पूरा ये है, यहाँ 2 × x की जगह x + π/3 ऐसा लिखेंगे, और अपॉन 2, प्लस इसको भी लिखोगे तो क्या आएगा, 1 + cos² x - π/3 और अपॉन में क्या जाएगा, 2, सबके बटे में 2 है, 1/2 आ गया कॉमन, ये 1 ये 1 ये 1 कितना हो जाएगा, 3, प्लस इसको करोगे ये हो जाएगा cos² x, ठीक है, प्लस इसको हम लिखेंगे अगर तो cos, इसको मल्टीप्लाइड कर दो, 2x + 2π/3 ये आएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा, cos² x - 2π/3, ठीक है, आगे समझ में आता। अब ये 1/2 ये हो गया 3 प्लस cos² x, प्लस इसमें लगा दो cos c + cos d,
क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी। सी प्लस डी मतलब 2x + 2π/3, सी प्लस डी मतलब 2x - 2π/3 और अपॉन में 2, ये लग गया। इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब 2x + 2π/3 माइनस 2x - 2π/3, ठीक है, और इसके बटे में 2, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास 2 cos c + d / 2 into cos c - d / 2। अब आगे मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, देखिए ये जाएगा कितना 1/2, ठीक, ये हो जाएगा 3 + cos 2x। अब देखो इसको अगर आप लिखोगे तो भी आएगा +2 cos, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2x + 2x कितना होगा 4x, 4x / 2 करोगे तो क्या जाएगा 2x इंटू, यहाँ करोगे देखो माइनस का मल्टीप्लाइड करोगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 2π/3। -2x + 2x कट गया, 2π/3 + 2π/3 कितना हो गया 4π/3, और 4 में 2 का भाग दोगे तो क्या जाएगा cos 2π/3, ये आ जाएगा, ठीक है। cos 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो मैं आपको सब सिखा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में देख सकते हो अच्छे से। कितनी होती है cos 2π/3 की वैल्यू, ये होती है -1/2, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, निकाल लेना, ठीक। क्या हो जाएगा ये माइनस का cos 2x हो जाएगा और ये प्लस का cos 2x हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये है 3 और 1/2, तो इसका मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या जाएगा 3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा RHS, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, ये सवाल देखें, इसमें हम LHS लेकर चलना है, RHS तक पहुंचना है, ठीक। हम क्या करते हैं 1/2, इसको हम लिख लेते हैं sin 48 और sin 12, ठीक है, इसको आप लिख लो क्या sin 90 - 36, ठीक। यहाँ यहाँ 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाइड कर दिए, 2 का डिवाइड दे दिए, और इसको हमने साइन को 90 - 36 लिख लिया, ठीक है, ये 54 ही होगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, 2 sin A sin B क्या होता है cos A - B मतलब 48 - 12 - cos A + B 48 + 12, ठीक है। sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, ठीक। अभी आगे 1/2, ये कितना हो गया cos 36 डिग्री माइनस cos, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, ये हो गया cos 36 डिग्री। अब cos 36 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है, √5 + 1/4 माइनस, ये क्या होता है, ये होता है 1/2, और ये भी क्या होता है √5 + 1/4, ठीक है। देखो इसको 4 बना लेते हैं हम, 2 का इंटू कर दो, यहाँ भी क्या हो गया 1/2 इंटू, ये क्या हो गया √5 + 1/4 - 2/4, ठीक, और ये आगे √5 + 1/4। अब आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इसके बाद आ जाएगा 1/2, देखो एलसीएम ले लोगे तो √5 + 1 और ये माइनस का 2/4, ठीक है, √5 + 1/4 ये अलग से हो जाएगा, √5 + 1 - 2, तो क्या होगा ये √5 - 1 हो जाएगा / 4, और यहाँ क्या हो जाएगा √5 + 1/4, ठीक, ये सब इंटू में, तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनाएगा, ये a² मतलब √5² माइनस b² अपॉन 4 × 4 कितना हो गया 16 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 5 - 1/16 कितना जाएगा 1/2 × 4/16, 4 से 4 बार कट गया, कितना आ गया 1/8, ये हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इस सवाल में भी हम LHS लेकर चलेंगे और RHS प्रूफ करेंगे, ठीक है। इस सवाल की एक ट्रिक है करने की, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, हमको क्या करना है,
टू का इंटू करना, टू का डिवाइड करना, ठीक है। तो इतना हमने ही कर दिया, ठीक। ये हमने टू का इंटू कर दिया, टू का डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और टर्म का इंटू कर रहा हूँ, साइन पाई बाय सेवन का मैंने भाग दे दिया, तो मुझे साइन पाई बाय सेवन का इंटू भी करना पड़ेगा, ठीक। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिए टू साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन टू ए होता है, मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है। जब आप इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन टू साइन ए कॉस ए, तो साइन टू ए हो जाएगा, मतलब टू इंटू पाई बाई सेवन ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस टू पाई बाई सेवन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस फोर पाई बाई सेवन, बटे में क्या आ गया हमारे पास, साइन पाई बाय सेवन, ठीक। ऐसा इसलिए कि ये देखो, क्योंकि ये जो टर्म है फॉर्मूला अगर बनाओगे तो इसके बराबर बनेगा, इसके बराबर अगर इन दोनों को बनाओगे तो फिर ये आगे वाले के बराबर बन जाएगा, इस तरह से सवाल छोटा होता जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करें, साइन पाई बाय सेवन का मल्टीप्लाइड कर दिए और डिवाइड कर दिए, ठीक है, ताकि साइन टू ए का फॉर्मूला बन जाए। अब यहाँ भी देखिए लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ टू की कमी है, तो टू का आप क्या कर दो, इनटू कर दो और टू का डिवाइड दे दो, तो नीचे क्या हो जाएगा, वन बाय फोर, और ऊपर टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, क्या हो जाएगा, साइन टू इंटू थीटा, मतलब थीटा कितना है, टू पाई बाय सेवन, और इंटू कॉस फोर पाई बाय सेवन तो अपने से पहले से है, डिवाइड में क्या जाएगा, साइन पाई बाय सेवन, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कैसा बन गया, ये बन गया वन बाय फोर, है ना, ये हो गया साइन टू का मल्टीप्लाइड कर दो कितना जाएगा, फोर पाई बाय सेवन, फिर कॉस फोर पाई बाय सेवन, देखो फिर से वैसे ही दिखने लगा, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब आपको फिर से क्या चाहिए, यहाँ टू चाहिए, तो आपको डिवाइड में भी क्या करना पड़ेगा, टू, ये हो गया वन बाय एट, फिर टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा, मतलब थीटा की जगह फोर पाई बाय सेवन, बटे में साइन पाई बाय सेवन, क्या हो जाएगा, वन बाय एट साइन एट पाई बाय सेवन अपॉन साइन पाई बाय सेवन, ठीक है। वन बाय एट इंटू, मैं इसको क्या लिख देता हूँ, एट को, एट पाई बाय को, इसको पाई प्लस पाई बाय सेवन लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सात एकम सात और एक आठ, वही बन जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले मैं आपको सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से, अगर आपने अभी तक नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस वन बाय एट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, ये सवाल देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कॉस 36, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, हम 1 बाय 2 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कॉस 42 डिग्री और कॉस 78 डिग्री ये कर देते हैं, ठीक। LHS आप लिख लेना, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। कॉस 36 की वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए हम इसमें नहीं लगा रहे फॉर्मूला, 1 बाय 2 है ना, ये हो गया कॉस 36, ठीक है, इंटू में यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, 42 माइनस 78 ये आ गया, ठीक है। कॉस 36 की वैल्यू रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू, ठीक, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, सच्चर यार 120 हो जाएगा, ये कॉस माइनस थीटा बनेगा, ये माइनस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉस 120 डिग्री है ना, आठ में से दो गया चार, सात में से तीन गए छः, तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ 36, ठीक, ये कितना हो गया, रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू, कॉस 120 कितना होता है, माइनस का वन बाय टू, पर यहाँ प्लस आएगा, और कॉस 36 क्या होता है, रूट फाइव प्लस वन अपॉन ये फोर होता है, ठीक। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको सॉल्व कराया है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अभी आपको सॉल्व करके बताया है, इसको आप खुद ही सॉल्व करिए, तभी आपको नॉलेज भी होगा और आपसे कैलकुलेशन भी अच्छे से बनेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां भी मुझे अपने डाउट बता सकते हो। तो इसको आप खुद ही सॉल्व करके देखना, बहुत आसान है, आ जाएगा आंसर।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इस सवाल में चार टर्म दिए हैं, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप LHS लिख लेना इसका, एक बार LHS लिख लेना, फिर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको। ठीक, cos 36 की वैल्यू हम जानते हैं, cos ऑफ इसको हम लिख लेते हैं 90 माइनस 18। ठीक है, सब इन टू में है ये, है ना। इसको लिख लेते हैं cos ऑफ 90 प्लस कितना लिख लेते हैं 18, है ना, इनटू इसको लिख लेते हैं cos 180 माइनस 36, ऐसा लिख लेते। ठीक है, ये हो गया cos 36 इनटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 18 डिग्री। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाइड इसमें होगा और इस वाले का मल्टीप्लाइड इस वाले के साथ होगा, है ना। तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 36 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 18 इंटू कॉस 36, इसका आप स्क्वायर ऐसे लगा सकते हो। अब आप इनकी वैल्यू जानते हो, रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर इंटू रूट फाइव प्लस वन अपॉन फोर। ठीक है, इसका स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ये क्या बनेगा, कितना बनेगा, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन चार चौके 16 हो जाएगा, और उसका भी स्क्वायर, ठीक, यहाँ स्क्वायर है, पांच में से एक गया चार बचा, तो 4/16 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 का मतलब इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना जाएगा 1/16। इस तरह से ये RHS प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3J जो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आपको अगर इस एक्सरसाइज में या इससे रिलेटेड किसी भी सवाल में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां भी अपने डाउट बता सकते हो। So thanks for watching. For more update, please like, share and subscribe.